कुछ शिक्षकों को अध्यापन व्यवस्था के तहत मानपुर मोहला इलाके के ऐसे स्कूलों में पदस्थ किया गया था जहाँ शिक्षक बिल्कुल नहीं थे अथवा एकम शिक्षक ही थे, तो उसमें से कुछ शिक्षक वहाँ गए नहीं और सभी जितने शिक्षकों को वहाँ पर हमने व्यवस्था के तहत भेजा था सभी ने एक साथ जो है उसमें मेडिकल लगा दिया और अंततः वहाँ ज्वाइन नहीं किए। तो हमारा ये कहना था कि एक साथ सभी शिक्षक कैसे बीमार पड़ सकते हैं, इसके पहले भी कभी वो मेडिकल अवकाश में नहीं रहे, तो इस वजह से हमने ये बोला कि चूँकि आप इतने लंबे समय तक अवकाश में रहे हैं इसलिए मेडिकल बोर्ड से आप पहले फिटनेस प्रमाण पत्र लाइए, उसके बाद हम आपको ज्वाइनिंग करेंगे। सर इसमें आगे कोई मान लो ऐसा कोई पाया जाता है तो आगे कार्यवाही क्या होगी सर उसमें? बिल्कुल, इसमें जो भी डॉक्टर इनका फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया है और मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है जिसमें गलत बनाया है तो हम संबंधित डॉक्टर को भी नोटिस भेजेंगे कि इनकी क्या ऐसी परिस्थिति थी कि जिसके वजह से जो है आपने इनको मेडिकल पर रखा, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ में जो शिक्षक अभी ज्वाइन कर लिए हैं इसमें यदि हम पाते हैं कि इनका फर्जी जो है मेडिकल था तो उस अवधि में वेतन भी काटा जाएगा और उनको जो है अकार्य दिवस भी घोषित किया जाएगा।